आशी घाटे लगाया दिया पान खाया जाओ बासी अल्लार दुहाए के पराणर बिनिमय तुम्हार पराण दियो हासि अल्लार दुहाए घाटे लगाया दिया पान खाया जाओ अल्लार दुहाए पर मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि दादा ये कैसे गाऊं तो वो बताते थे कि तुम ये इस तरह गाओ तो अच्छा लगेगा और जब उनको अच्छा लगता था तो बहुत आके मेरे पीठ पे हाथ रख के कहते थे कि बहुत खुश रहो लता और उनका खास मतलब जब वो बहुत अप्रिशिएट करते थे तो उनकी एक खास बात थी पान खिलाते थे उनको पान का बहुत शौक था लेकिन वो आफ्टरनून में पान खाते थे मॉर्निंग में नहीं सुबह पान नहीं खाएंगे नहीं सुबह से दोपहर तक के पान नहीं खाते थे अच्छा 3:30 बजे के बाद चाय पिया उन्होंने अच्छे कपड़े पहने 4:15, 4:15, 4:30 बजे उनके लिए एक पूरी पान लेके जाना पड़ता था ऊपर 5 पान कलकत्ता कहाँ से लेते थे पान नीचे से नीचे पान वाला होटल है ना डील हाँ वो सिर्फ सुपारी चूना कत्था यही 3 चीज लगा के देता था सुपारी चूना कत्था और कलकत्ता पान कलकत्ता पान हाँ फिर ऊपर जाते थे उनको उनका एक ऐसा डिब्बा था चांदी का अच्छा चांदी का डिब्बा डब्बे में अच्छी तरीके से एक कपड़ा था उसको धो के भिगो करके रखना पड़ता था पान उसमें और वो पान को ऐसा फ्लैप करके बंद कर देते थे और वो पान खाते थे तो संतरे का जो ऊपर होता है ऑरेंज नहीं आते खाते संतरा हाँ उसका छिलका सुखा करके रखते थे क्यों खूब अच्छी तरीके से अच्छा एकदम सूख जाता था तो उसका थोड़ा इस खुशबू आता था एसेंस पान में खुशबू जाएगा तो वो और एक बॉटल था उसके अंदर खुशबू का बॉटल था वो अब मैं उसका नाम भूल गया वो खस का जैसा खुशबू अच्छा खस के माफिक तो थोड़ा सा पान में लगा के खाते थे और एक टुकड़ा ये खाते थे संतरे का इतना बड़ा पीस संतरे का एक पीस एक फांक जो है वो खाते ये चौपाटी पे जब भी हम लोग ये जैसे ओमी साहब बताए ना कि कॉपरेज पे जाना है तो जब भी मेरा पिताजी नहीं आवे तो फिर मेरे को बोलते थे देखो मुझे है ना पहला अभी को घर जाना है लेकिन कहाँ से जाना है मैं बताता हूँ बोला हाँ बताओ सर बोला देखो चौपाटी के पास से राइट वहाँ से राइट मारना बोला अच्छा ठीक है फिर भारतीय विद्या भवन है ना उसका पहले गाड़ी रोकना पान वाला भैया मैं तुमको मिलाता है तुम खाली उसको बोलो बर्मन दादा आया मेरा पान दे देगा अब मैं वहाँ जाके खड़ा होता था उसको बोलता था पंडित जी साहब आए वो भी देखता था अच्छा दादा है वहाँ रुको मैं पान देता हूँ वो पान उनको वो भी वही लगा के देता था उस वक्त 2 रुपया उसको देते थे एक पान का वहाँ से कितने पान लेते थे वो एक ही पान हाँ, बस वो गेम के बाद में हाँ गेम के बाद में अच्छा फिर एक पान वो खाते थे एक पान वो मुझे भी देता था उसमें तंबाकू था मेरे पान में तंबाकू उनका पान में तंबाकू नहीं दादा के पान में तंबाकू नहीं था नहीं एक एलची और एक संतरे का टुकड़ा हाँ और वो खस का जो है थोड़ा सा खुशबू वाला जो है खुशबू वाला फिर और एक इंटरेस्टिंग ये था कि गुरुदत्त जी और उनके प्रोटेक्शन के थे गुरु स्वामी ये दोनों आदतन पान खाते थे बर्मन दादा भी पान खाते थे उस वक्त उनका पान आता था चौपाटी से कोई जगह है वहाँ ख़ास पान की दुकान थी तो गाड़ी जाती थी सुबह उनके लिए सारे दिन का स्टॉक लेके आता था अच्छा मुझे भी
पान का बहुत शौक था, मगर ऐसा आदत नहीं खाते थे। तो बर्मन दादा जब भी आए कहते दादा मुझे एक पान, बोले हाँ, तो डब्बी डब्बा खोल कर मुझे पान देते थे। तो गुरुदत्त जी और गुरु स्वामी कहते थे दादा हमें नहीं तुम लोग। बोले ये क्यों, हम पान खाते हैं आपकी तरह, एक के बाद एक के बाद। हाँ इसीलिए तो एक के बाद मेरा स्टॉक खत्म, मेरे सारे दिन का स्टॉक। फिर वहीदा को क्यों दिया, वो वहीदा एक मांगती है वहाँ से खुश हो जाती, फिर नहीं मांगती दोबारा। तुम लोग रुकते ही नहीं देते थे उनको, इन दोनों को बहुत गुस्सा आता था। ये गलत बात है, लड़की है इसको, नहीं नहीं लड़की का सवाल नहीं है। अगर ये मीना कुमारी की तरह पान पे पान खा रही होती तो मैं नहीं देता। अब क्या मीना कुमारी तो मीना कुमारी होगी, वो पान बहुत खाती है मैंने सुना, उसको नहीं देता मैं। वहीदा सिर्फ एक मांगती है, एक से चुप हो जाती है। वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, वेरी क्यूट।